समाजवादी पार्टी संरक्षक एवं लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव का सोमवार सुबह निधन हो गया। वह 82 साल के मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी और उन्हें 2 अक्टूबर से ही ICU में रखा गया था। वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे, लेकिन आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए दी, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी। मुलायम सिंह की हालत 2 अक्टूबर से गंभीर बनी हुई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बताया जा रहा था कि उनकी किडनी में भी सामान्य तौर पर काम नहीं कर रही थी। मुलायम सिंह काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से गुजर रहे थे। इसके पहले भी उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी के दौरान मुलायम सिंह यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सच्चे सिपाही के रूप में काम किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मेदांता अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह जानकारी दी है। अखिलेश से पहले शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव दिल्ली में भी मौजूद थे। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल और बच्चे भी गुरुग्राम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 22 नवंबर 1939 को इटावा के सेफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव करीब 6 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहे। वह कई बार यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे। इसके अलावा उन्हें कई बार लोकसभा सांसद के रूप में चुना गया। मुलायम सिंह यादव ने 3 बार यूपी के CM भी रह चुके हैं।